नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी बीकॉम करने वाले सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट की डेट शीट तो पहले ही जारी हो गई है। 6 अगस्त से एग्ज़ाम है। अब सेंट्रल लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नॉन एजुकेशन पॉलिसी वाले सेंटरों की लिस्ट शामिल है। आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर नहीं मिलती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हैं। वहाँ आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की न्यूज़पेपर की कटिंग और कोई भी पीडीएफ होती है जो स्टूडेंट से रिलेटेड होती है, इम्पोर्टेंट होती है, वहाँ डलती रहती है तो आप आसानी से वहाँ पा सकते हैं। तो चलते हैं, पूरे लिस्ट देखते हैं, डेट शीट की भी देखेंगे और सेंटरों की भी देखेंगे। आप देख सकते हैं लिस्ट पूरी जारी हो गई है। पहले तो ये डेट शीट की है। जिन स्टूडेंट के पास डेट शीट नहीं है वो देख सकते हैं। 6 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। 2 पालियों में एग्ज़ाम होंगे, 8 बजे से 9:30 बजे तक और 2:30 बजे से 4 बजे तक। सभी की दे रखी है इसमें, BPES की दे रखी है, BPF की दे रखी है, BSc BCom की तो है ही है, BCA सेकंड सेमेस्टर की सबकी दे रखी है। और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी पहली बार एग्ज़ाम कराने जा रही है तो इसमें नोटिस में भी आग्रह किया गया है कि हमें साथ मिलके ही काम करना है, स्टूडेंट को भी, टीचरों को भी, प्रोफेसरों को और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं उस टीम को भी। इसमें पूरा नोटिस है, नोटिस आप अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देख सकते हैं आप सभी पूर्व में अगवा करते हैं कि 2021-22 स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की वस्तुनिष्ठ प्रकार की मतलब MCQ होंगी। परीक्षा दिनांक 6 अगस्त 2022 से प्रस्तावित है तथा यह परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में कराई जाएगी, 8 बजे से 9:30 बजे तक और 2:30 बजे से 4 बजे तक। तो आप देख सकते हैं MCQ होगी, जो OMR होगी। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि किस सेमेस्टर किस सिलेबस के बेस पे कराएगी और कैसे एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, तो MCQ रहेगा। तो आप परेशान ना हो, MCQ में अपने पेपर दें आराम से अच्छे से। और सेंटरों की लिस्ट की तरफ चलते हैं। इन्हें आप टेलीग्राम ग्रुप में से निकाल के आप पढ़ सकते हैं पूरी। ये सेंटर लिस्ट आप देख सकते हैं, न्यू नॉन एजुकेशन पॉलिसी वालों के लिए है, जो पहले से बीए बीएससी बीकॉम कर रहे थे उनके लिए है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इससे पहले वाले सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे तब से लागू हुई है, जो उनके वो हैं केंद्र। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल लिस्ट दे रखी है सबकी। इसमें अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा ज़िले शामिल हैं। उन सभी ज़िलों के सेंटर इसमें शामिल हैं तो आप अच्छे से देख सकते हैं। हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे तो वहाँ आराम से आप पढ़ सकते हैं। जो नॉन एजुकेशन वाले हैं उनकी तो लिस्ट पहले ही हमने आपको दिखा दी है। जे न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले हैं जो इस बार सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे तो उनके सेंटरों की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी NEP सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट 2022। तो आप देख सकते हैं यहाँ नाम दे रखा है सेंटरों के, नोडल केंद्र कौन से बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है, किस कॉलेज का कहाँ गया है और सब कुछ कोड वगैरह दे रखे हैं। टोटल जेंडर मेल क्या है इसमें सब कुछ दे रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें 41-42 पेजों की PDF है ऐसी उसमें है तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी एक एक दिखाने से। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, वहाँ आराम से आपसे बात होती रहेगी। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।